हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप इस तरह के क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपका जवाब है नो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जवाब होगा यस। तो चलिए पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप देखेंगे कि आप इसका आंसर जो है 2 सेकंड से भी कम समय में दे पाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर हम यहाँ वाली भिन्न को सॉल्व करें जो कि दिया गया है 1 - 1/2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, यहाँ से आपको जो है इसे सॉल्व करना है, तो 2 - 1 = 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो हमें 1/2 मिलेगी। इसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसे आसानी से सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ से नंबर को मल्टीप्लाई करके, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, जोड़ है तो जोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 - 2, 2 में 1 माइनस करेंगे, 1/2 होगी। नेक्स्ट जो नंबर हमें दी गई है, 1 - 1/3 दी गई है, उसके बाद 1 - 1/4 दी गई है, इसी तरह के आगे नंबर हमें दी गई है। तो अगली नंबर को सॉल्व करते हैं हम, 3 - 1 = 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें नंबर मिलेगी 2/3। उसी तरह से 4 - 4, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3/4, इस तरह से हमें नंबर मिलती जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये नंबर कैंसिल होते जाएंगे इस तरह से, यानी अगली जो नंबर होगी ये और ये कटेगी। उसी तरह से यहाँ पे हम आते हैं लास्ट वाले नंबर में, तो लास्ट वाला नंबर क्या है हमारे पास, तो लास्ट वाली नंबर जो हमारी है 1 - 1/n है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, तो n में n में 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगी n - 1/n। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, और इस टर्म को सॉल्व करते हैं, तो इस टर्म को सॉल्व करने से हमें यहाँ पे जो n - 1 मिलेगी और ऊपर कोई नंबर मिलेगी जो यहाँ से आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ से नंबर हमें 1 मिलेगी और लास्ट में जो सॉल्व करने से जो हमें नीचे डिनोमिनेटर मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। तो इन दोनों नंबरों को हम साथ में लिखेंगे 1/n, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर 1/n, तो ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन 2 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व करनी है तो आपको सिर्फ आगे वाले नंबर को सॉल्व करनी है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है 1/2 मिलेगी, और उसके बाद हमें यहाँ लास्ट वाले नंबर को सॉल्व कर लेनी है, एक फर्स्ट को सॉल्व करनी है और एक सिर्फ लास्ट को सॉल्व करनी है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें n - 1/n मिलेगी। तो आपको आंसर देना है, यहाँ का फर्स्ट नंबर जो मिलेगी हमें उसका न्यूमरेटर लेना है और लास्ट वाले नंबर का डिनोमिनेटर लेना है, इन दोनों को मिला के आपको 1/n इसका आंसर दे देना है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इसे हमने सॉल्व कर लिया है, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, और इसी तरह के अमेजिंग कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।